मन कैसा लगता है हमने अनुभव किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव भगवान श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, उनके भगवत धाम जाने के एक वर्ष पूर्व की बात है, मलुक पीठ में ही महाराज जी विराज रहे थे। तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, संस्कृत में अथवा हिंदी में जो आपके मन में करे, आप श्री मलुकदास जी पर कुछ रचना लिखिए। आग्रह किया तो महाराज जी बोले ठीक है, लिख देंगे। फिर हमने दूसरे दिन कहा, महाराज जी पुस्तक छपनी थी, हमने कि महाराज जी आपने लिखा, बैठ जाओ पंडित जी, बैठ। इसमें मेरे मन की अवस्था कुछ दूसरी हो चुकी है। महाराज जी क्या हो गया? बोले कुछ भी लिखने पढ़ने के लिए मन को लाना पड़ेगा, और मन कहीं ऐसी जगह में रहता है कि वहां से उसको खींचने में बहुत पीड़ा होती है। इसलिए मैं बहुत कोशिश करके भी अपने मन को रचना करने में नहीं लगा पाया। इस समय हमारा मन कहीं और रहता है। मुझे बहुत प्रयास पूर्वक मन को बाहर लाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मन बाहर नहीं आता, मन फिर भीतर चला जाता है। इसलिए अब हम बूढ़े हो गए, लिखने पढ़ने के लायक नहीं रहे। आप लोग समझे आशय है? कि एक ऐसी भी अवस्था मन की होती है जहां मन अहर्निश प्रेमास्पद भगवान में डूबा रहता है, वहां मन को खींचना पड़ता है। हम लोग मन को संसार से खींचकर एक क्षण के लिए भगवान में लगाना चाहते हैं। एक वो भी अवस्था होती है जो मन को संसार के व्यवहार के लिए खींचना पड़ता है। यह भी एक मन की अवस्था होती है। इसलिए भैया मन को लगाओ। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीताराम